हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा और साथ में मैं बनाऊँगी आलू पूरी। तो क्या है, कैसे प्रोसेस है, सब कुछ आपके साथ में मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सूजी को ड्राई रोस्ट कर लिया है पैन में, और उसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा सूजी ब्राउन हो गया है तो उसके बाद उसमें मैं घी ऐड कर दे रही हूँ। और घी डालने के बाद में थोड़ी देर मैं इसको चला करके इसमें मैं डाल दूँगी चीनी। तो सूजी का हलवा मैं ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ, और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह आज मैं बिल्कुल भी नहीं ऐड कर रही हूँ। सिंपल सा हलवा है, क्योंकि पूरी भी जो है थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं हलवा को थोड़ा सा मैंने सिंपल ही रखा है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी, तो पानी मैंने गर्म पानी यहाँ पे डाला है। और डालने के बाद में मैं गैस की जो फ्लेम है थोड़ा सा कम कर दूँगी, मतलब धीमा फ्लेम कर दूँगी उसका, और धीरे धीरे करके ये सूजी जो है वो पक जाएगा और बहुत ही अच्छा सा इसका एक टेक्स्चर आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो सूजी का हलवा है वो बन करके तैयार हो गया है। इसको हल्का सा मैं ऐसे ही ढीला गीला गीला ही रखूँगी, तो क्योंकि सूजी का हलवा है जो बाद में पानी सोख लेता है, तो थोड़ा सा गीला गीला रखना ही सही रहता है। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू पूरी। तो आलू पूरी बनाने के लिए मैंने उबला हुआ आलू लिया है, मैशर से अच्छी तरीके से इसको मैश कर दिया है। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया है आटा, फिर डाला है जीरा गोटा, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी डाला है मैंने, हल्दी पाउडर, अजवाइन डाल दिया है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा जो नमक होता है खाने वाला नमक वो डाल दिया है, और मैंने डाल दिया है हरी मिर्च। तो ये जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स है सारा कुछ मैंने एक साथ अच्छी तरीके से मैं पहले मिक्स कर ले रही हूँ, और फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसको अच्छे तरीके से इसका एक डो तैयार कर लूँगी। तो बस मेरा जो आलू पूरी का जो डो है वो बन करके रेडी हो चुका है, और इसको अब हमें छानना है। तो बस ये फटाफट से ये बनने वाला नाश्ता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत यम्मी लगता है खाने में। तो एक बार ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये वाला नाश्ता बना करके, और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि ये जो मैंने आज बनाया है वो आपको कैसा लगा है। और अगर कुछ ऐड करना हो, कोई इंग्रेडिएंट्स और इसमें अगर ऐड किया जा सकता है, तो वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट से मैं आलू जो पूरी है उसको मैं तल लेती हूँ। तो बस मैंने सारी पूरियाँ तल ली है, और थोड़ा बहुत ये बाकी है तो उसको भी मैं तल करके कंप्लीट कर ले रही हूँ, और इसके बाद में हम नाश्ता करेंगे। और ये जो पूरी है ना, इसको सिंपल चाय के साथ में भी अगर आप खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और ट्रैवलिंग वगैरह में भी अगर इसको ले करके जाओगे तो बहुत अच्छा रहता है इसके साथ में, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल सी एक चाय ले लो और ये पूरियाँ हैं, तो बस बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, बहुत टेस्टी भी लगता है ये खाने में। और साथ में मैंने हलवा भी बनाया है यहाँ पे, सूजी का हलवा, क्योंकि थोड़ा सा मीठा अगर कुछ रहता है तो फिर अच्छा लगता है खाने में। तो बस ये हमने नाश्ता कर लिया है, और यहाँ पे अभी जयंत पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद में वो अब अपने ऑफिस की तरफ निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे। बिट्टू मिल जा, क्या कर रहा है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, और आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे।
आज आ गया है मेरा ये फीलर, तो इसी फीलर को लेकर के जेंट्स के साथ निकल बहुत ज़्यादा तुतु मैं हो गई थी। रुद्रांश यहाँ पे देखो क्या कर रहा है। तो बस अभी ये आया है और मैं अभी इसका यूज़ करने वाली हूँ। कोई भी नई चीज़ आती है ना तो फिर उसको यूज़ करने का मज़ा ही कुछ और होता है, बहुत अच्छा लगता है यूज़ करना नई चीज़ें। तो बस फटाफट से अभी मैं जा रही हूँ इनका खाना बनाने के लिए, नहाना और बाकी सारा काम घर का हो गया है। अभी कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो कि इस रूम में है, दिख रहा होगा आपको, हाँ ये वाले रूम में कुछ कपड़े रखे हुए हैं तो उसको मुझे फोल्ड करना है और बाकी सारा काम हो गया है। अब ये फोल्ड करके उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, मेरा नहाना बाकी है, जयंत अपना निकल गया है काम पे और बस यही सारी चीज़ें हैं। और धीरे 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 करके कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है तो वो सारा कुछ भी करूँगी। आज सोच रही हूँ कि बेडरूम का जो जो डोर है, जो शीशे वाला जो डोर है, ये वाला मैं दिखाती हूँ, ये वाला जो डोर है ना, ये वाला, तो ये डोर मैं सोच रही हूँ कि आज इसको क्लीन करूँगी, मतलब ये जो शीशा जो है इसका, इसको मैं क्लीन करूँगी, तो इसको आज क्लीन करना है। और उसके बाद बेडशीट भी सोच रही हूँ कि आज मैं चेंज कर देती हूँ क्योंकि बेडशीट बहुत दिन हो गया है, गंदा लग रहा है अब देखने में, तो बेडशीट भी चेंज करना है। मेरा एक नया बेडशीट मैंने ख़रीदा है तो वो मैं आज बिछाऊँगी और बस यही सारे काम है, थोड़े बहुत तो जो भी काम है ये सारा है। तो चलिए फटाफट से सारा काम निपटाया जाए। तो खाना बनने में थोड़ा सा टाइम था तब तक मैंने सोचा कि इनको थोड़ा बहुत आमरस बना करके पिला देती हूँ क्योंकि सुबह को नाश्ता किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इनका, तो थोड़ा सा अगर आमरस पिला दूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो खाली पेट में ये लोग तो बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली पूरा एकदम सर पे, पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, तो बस इसके लिए उनके लिए आमरस बना रही थी। मेरी बेडशीट है जो कि मैंने लिया है, आप भी बताइएगा कैसा है इसका, ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ब्लैक कलर की बेडशीट मेरे पास में नहीं थी तो इसीलिए इस बार मैंने ब्लैक कलर का बेडशीट ख़रीदा है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, इसका प्रिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो ये सारा कुछ इसमें बना हुआ है। ये देखो ये सारे प्रिंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए फटाफट से इसको मैं बिछा लेती हूँ। और इसके साथ में ना ये पिलो कवर नहीं था तो मैंने ये अलग से ये पिलो कवर मैंने लिया है। तो बस अभी मैं फटाफट से बेडशीट चेंज कर देती हूँ और ये जो नीचे में जो आप देख रहे हैं ये ब्राउन कलर की, वो एक प्लास्टिक की शीट है जो कि मैंने ऑनलाइन अमेज़न से ही ख़रीदी थी मैट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि डायपर वगैरह कभी कभार नहीं पहनाती हूँ तो वो क्या होता है कि सुसु वगैरह कर देते हैं, तो वो मैट्रेस फिर उससे ख़राब होने लग गया था, तो जिसकी वजह से मैंने ऑनलाइन इसको परचेज़ किया था। अभी तक तो ये बहुत ही अच्छा चल रहा है अच्छे तरीके से और बस वही चीज़ है और बस यही है, बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ फटाफट से। दिन भर इतना सारा काम करते करते ना बाद में जाकर के फिर मम्मी की याद आने लग जाती कि यार मम्मी मतलब कैसे इतना कुछ मैनेज कर लेती थी, और मैं जब अब खुद जब मम्मी बनी हूँ तो मुझे मतलब अब समझ में आ रहा है कि यार ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, घर को मैनेज करना, बेडशीट चेंज करना है, खाने में क्या बनेगा वो सोचना है, घर में अलमारी ठीक करना है, फ्रिज को साफ़ करना है, ये सारा चीज़ मैनेज करना कैसे मतलब मम्मी लोग कर लेती थी, अब जा कर के समझ में आ रहा है कि मम्मी लोग का क्या पेन होता था उस टाइम पे। तो जब मम्मी करती थी तो तब समझ में आता नहीं था। तो अभी एक्चुअली दोनों के दोनों सो गए हैं तो मैंने सोचा कि सारा काम छोड़ करके सबसे पहले ये फ्रिज का जो टॉप पोर्शन है इसको साफ सफाई कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या होता है कि जितना भी कुछ होता है सारा कुछ यहीं पे आकर के डंप हो जाता है, तो जैन की वही आदत है, बिस्किट खिलाया यहाँ पे रख दिया, कुछ ना कुछ मैं भी कभी कभार कुछ ना कुछ यहाँ पे रख देती हूँ, तो ये जो पोर्शन है ना ये बहुत ही ज़्यादा गंदा होकर के रखा हुआ है। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि इसको ऑर्गेनाइज करूँगी, इसको साफ़ सुथरा करूँगी, बट नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये लोग करने नहीं दे रहे थे मुझे, और मैं अगर करने जाऊँगी तो कुछ ना कुछ फिर ले करके फिर तोड़ फोड़ ये सब मचाना शुरू कर देंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि जिस दिन ये जल्दी सोएंगे उसी दिन मैं फ्रिज का ऊपर का काम करूँगी। तो आज ये लोग सो गए हैं अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से ये सारा कुछ क्लीन कर देती हूँ, जो इतना मैसी लग रहा है देखने में थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, यूज़ करने में ईजी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको मैं
क्लीन करती हूँ और ऑर्गेनाइज करती हूँ। बस अभी मैं सारे जितने भी डब्बे थे वो सारा मैंने धो लिया है, अच्छे तरीके से सुखा लिया है। और ये यशिका के फेवरेट बिस्किट्स है जो कि मैं अभी इस डब्बे में रख दे रही हूँ, क्योंकि उसको मतलब जब भी रोती है तो उसको एक बिस्किट चाहिए ही चाहिए। वो सीधा बिस्किट के डब्बे की तरफ पॉइंट आउट करती है कि बिस्किट बिस्किट, तो ये उसके फेवरेट बिस्किट्स है और कोई भी बिस्किट्स वो नहीं खाती है। रुद्रांश का ऐसा कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है कि हाँ ये बिस्किट खाना है या वो बिस्किट खाना है, उसको तो बेचारे को जो भी दे दो वो खा लेता है, मतलब बिस्किट होना चाहिए बस। बस बहुत ही मिनिमलिस्टिक, जितना सामान ज़रूरी है वो सारा सामान मैंने फ्रिज के टॉप के ऊपर में रखा है। ये जो दो हंसों का जोड़ा देख रहे हैं वो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये जो टाइटैनिक की छोटी सी बोट है वो मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट किया था। तो बस इसको मैं संभाल के अच्छी तरीके से रखती हूँ। यहाँ पे मैं एक बास्केट में इनका जो नहाने के बाद में जो जो सामान का ज़रूरत पड़ता है वो सारे सामान मैं यहाँ पे अरेंज कर दे रही हूँ। कि करते करते आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है और अभी बज रहे शाम के 4:30 और मैं अभी नहाई हूँ, तो बस अभी जा रही हूँ लंच वगैरह करूँगी। तो बस ये वाला ब्लॉग मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइक करना है जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो बस एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, जहाँ भी आपको ठीक लगे कि आप शेयर कर सकते हो, प्लीज़ शेयर करना मेरे वीडियोस को, मेरे ब्लॉग्स को। और कमेंट ज़रूर से करना, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिप्लाई करके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट ज़रूर से करना, अपना जो भी फीडबैक हो, जब जो भी मन में हो वो कमेंट करना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और पास में जो घंटी वाली जो बटन है, बेल बटन, उसमें हिट करना है, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, जिससे कि आपको हर एक वीडियो, हर एक ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थिंक पॉजिटिव। यशिका अभी यहाँ पे सोई उठ गई यशिका। उठ जा बिट्टू, उठ जा, हाँ उठ जा, अभी भी नींदी में है। तो ये अभी भी नींदी में है, थोड़ी देर में नींद इसका खुल जाएगा। तो तब तक मैं फटाफट से लंच कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये उठ जाता है तो मुझे खाना भी नहीं खाने को मिलता है।